हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली आपके काफी कमेंट आ रहे थे कि सर एनबीएस जैसे कि स्ट्रेटजी प्लान लेकर आइए, डेली का टाइम रूटीन लेकर आइए, डेली का टाइम टेबल लेकर आइए, किस तरीके से हम डेली अपने जो टॉपिक्स हैं उनको टाइम दे जिससे हम पहली ही बार में इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो फाइनली आपकी काफी ज्यादा डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ कि किस तरीके से जो आपका एनबीएस का जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है उसका मास्टर स्ट्रेटजी प्लान क्या हो सकता है, कौन सी वो रणनीति है जिससे आप जीरो से हीरो बन जाएंगे, और कौन सी वो रणनीति है जिसे मैंने पहली बार में हाउ आई क्लियर जैसे इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो यहाँ पर मैं पूरी अप्रोच रखने वाला हूँ। इस तरीके से मैंने पहली बार में जैसे वो क्लियर किया था एनबीएस के, वो पूरा यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। स्मार्ट तरीका हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि स्मार्ट तरीका क्या होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का, ना कि मेहनती तरीके। ठीक है, स्मार्ट वे में हम तैयारी करेंगे और काफी कम समय में हम इस एग्जाम को क्रैक यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं पूरा कुछ आपके लिए डिटेल में लेकर आ चुका हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो स्टार्टिंग करने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको करनी है। इसके अलावा आपकी क्लासेस चल रही है जो हमारा सेकंड चैनल है, दैट इज द एग्जाम हेल्पर जीके। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, अभी मैंने 5 दिन से क्लास नहीं ली थी अपनी, कल से मैं वो रेगुलर फिर से करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो देखिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी टाइम टेबल, कितने दिनों का टाइम टेबल हम लेके आए हैं, तो हम 45 डेज का टाइम टेबल लेके आए हैं जिसमें आपको 12 घंटे डेली यहाँ पर पढ़ना होगा। अगर जो बंदा 45 डेज तक 12 घंटे डेली पढ़ लेता है, ध्यान रखना कि जो बंदा 45 डेज तक 12 घंटे डेली पढ़ लेता है उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ध्यान रखना, ये मैंडेटरी है कि आपको 45 डेज तक बिना किसी भी दिन का यहाँ पर एबसेंट किए कितना पढ़ना है आपको, 45 डेज 12 घंटे डेली आपको पढ़ना है बिना किसी गैप लिए। ठीक है, तो आप यहां पर इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। जीरो से हीरो हीरो आपको बनाने वाला हूं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर होने वाला है उसमें हमसे पूछा क्या क्या जाने वाला है, यानी कि जो हम एग्जाम देने वाले हैं, जो पोस्ट का हम एग्जाम देने वाले हैं उसमें सिलेबस क्या है एक्चुअली में। ठीक है, कितना उसमें पूछा जाएगा, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, किस तरीके से हमको सारी चीजें पढ़ना है, तो वही मैंने आपके यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया किस तरीके से आपको अपने 45 दिन 12 घंटे में क्या क्या डेली पढ़ना है, वो यहाँ पर आपको पूरा टाइम टेबल बना के लेकर आ चुका हूँ। तो टाइम टेबल इस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से करना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे हुए कि कितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट आने वाला है। यहाँ पर टाइम टेबल लिखा है किस तरीके से आपको टाइम का टाइम को बांटना है, पढ़ने के टाइम को किस तरीके से आपको उसमें एलेबोरेट करना है, वो यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ के आपको सिलेक्शन मिल सकता है और उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा रहेगा दोस्तों यहाँ पर रहेगा हिंदी। अब देखिए, जिसपे मैंने ये स्टार लगा रखा ना, ये वाला स्टार जिस पे भी स्टार लगा उसको तो भाई पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि ये वो जो जिन जिन पे मैंने स्टार लगाया ना, ये वो टॉपिक्स है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। ध्यान रखना, वो टॉपिक्स है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी, हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाएगा किस तरीके से, क्योंकि इसका सिलेबस भाई फिक्स होता है, कुछ गिने चुने 10-15-20 टॉपिक है, वो पढ़ लो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, पेपर आपका निकल जाएगा, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो। कितने मार्क्स आएगा, 15 मार्क्स का आपका हिंदी पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक घंटा इसमें आपको देखिए व्याकरण पूछा जाता है और वो क्या पूछे जाते हैं, यानी कि शब्दार्थ तो पूछे जाते हैं। पढ़ना किस तरीके से, तो आपको डेली का 1.5 घंटा पढ़ना, कितना, 1 घंटा एंड हाफ आवर। ठीक है, क्या करना है, 1 घंटा एंड हाफ आवर आपको पढ़ना है, जिसमें 1 घंटे आपको व्याकरण करनी है। क्या करनी है, 1 घंटे व्याकरण पढ़ना है, जिसमें आपके संधि समास है ना, अलंकार वगैरह ये सब कुछ आ जाता है आपका, है ना, लिंग वगैरह वचन वगैरह ये सब आपका यहाँ पर आ जाता है। मैं आपको चलिए यहाँ पर टॉपिक दिखा देता हूँ एक बार, है ना, जिसका जिससे आपको ईजी होगा देखने में। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको यहाँ पर टॉपिक अभी शो हो जाएंगे। ओके, लीजिए आपको यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस दिख रहा होगा हिंदी का। इसके लिए मैं एक डिटेल सिलेबस वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, किस तरीके से लास्ट 3 साल में किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स जो थे हिंदी में उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर वो वीडियो नहीं दिखा जाके देख लेना, इस चैनल के खत्म होते मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर आएंगे एनबीएस एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनेंगे, वहां पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये काम कर लेना। तो देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, व्याकरण में संज्ञा पूछा जाएगा, सर्वनाम वर्णमाला वाक्य एवं उसके प्रकार पूछेंगे, प्रत्यय एवं संधि समास अलंकार शुद्ध वर्तनी पूछेगी, शुद्ध वाक्य पूछेंगे, इसके अलावा गद्यांश आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये सब कुछ आपका मिला के आएगा व्याकरण के तहत, तो 1 घंटा आपको व्याकरण देना। कुल मिला के इसमें जो टॉपिक है वो है 10 टॉपिक। ठीक है, जिसमें से टॉपिक अगर हम देखेंगे तो किसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी होते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक है, 10-10, 15-15 मिनट के, तो टोटल आप मान सकते हैं कि 15 चैप्टर इसमें रहने वाले। कितने चैप्टर रहने वाले, 15 चैप्टर रहने वाले अपने पास, दिन कितने 45, और 15 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 2 दिन ले सकते हैं या 3 दिन ले सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 15 टॉपिक पढ़ने में हार्डली आपको 20 दिन लगेंगे। तो 20 दिन में अगर 1 घंटा डेली व्याकरण पढ़ते हैं,
20 दिन में आप इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट बचते हैं 45 डेज में से 25 डेज में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और इसकी एमसीक्यूज लगाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये हिंदी मैं आपको करा दूंगा, मेरा एक वीडियो आ चुका है वर्डमाला का, अगर नहीं देखा है जाके देख लेना, एग्जाम.जी के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको डेली रेगुलर बेसिस पर दे वाला हूँ। तो 15 दिन में आप इसका चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, 20 दिन में आप इसके चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा 30 मिनट का आपको वोकैब करना है डेली, जिससे आपके क्या क्या आएंगे देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, समानार्थी, अनेकार्थी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा बता रखा है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको क्या करना है, 30 मिनट डेली करना है इसको। ठीक है, कितने टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक है, जिसमें से सातवां जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जिसने हिंदी पढ़ी इंग्लिश पढ़ी है उसका कन्वर्जन है कम आता है वैसे, बाकी 6 टॉपिक मेन है। तो आपके पास 30 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट तो आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 5-5 मिनट करके कर सकते हैं, या पहले आप 10-10 मिनट के 3 टॉपिक पढ़ लीजिए और जैसे ही वो 15-20 दिन में जब एंड हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कभी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले जो 3 टॉपिक बचेंगे उसको फिर 10-10 मिनट में हम सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज कर देंगे, या फिर डेली के जो 6 टॉपिक्स हैं 5-5 मिनट प्रत्येक को देंगे, 5 मिनट में आप 10 वर्ड कर सकते हैं, उसके 20 वर्ड कर सकते हैं एक टॉपिक के। जैसे विलोम शब्द है, तो आपने अगर 5 मिनट विलोम शब्द पढ़े तो 5 मिनट में आप, मेरे को लगता है कि आराम से 10 से 20 विलोम शब्द पढ़ लेंगे, और 45 डेज तक अगर 10 भी पढ़ते हैं तो 45 डेज तक 450 विलोम शब्द आप पढ़ चुके होंगे केवल 5 मिनट डेली देंगे। ध्यान रखना, बहुत पावरफुल स्टडी बता रहा हूँ, केवल डेली 5 मिनट दोगे 45 डेज तक, तो आप 450 विलोम शब्द पढ़ लोगे, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, इतना नहीं आता भाई। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ कि स्मार्ट अप्रोच हमको अपनानी है। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके आऊंगा, ठीक है, ये भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा अलग से, आप अगर बोलेंगे तो मैं ये भी लेके आऊंगा, व्याकरण की भी लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करना, हिंदी पढ़ना ही पढ़ना। अब इसमें कितना स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर इसको सही तरीके से वो पढ़ते हैं तो भाई, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे ना, तो इसमें आराम से कोई भी जो कैंडिडेट है 12 से 13 उसको स्कोर करना ही करना, इतना स्कोर करना भाई सिलेक्शन चाहिए। तो इसके बाद आएगा आपका इंग्लिश, इंग्लिश को क्या करना है, 15 मार्क्स आने वाला है। इसमें भी वही सिनेरियो सेम जो आपका हिंदी में था, सेम यहाँ पे 1 घंटा ग्रामर, इसमें भी वही 15 के आसपास टॉपिक है, 1 घंटे कोई टॉपिक हो सकता है, 2 दिन ले जाए, 3 दिन ले जाए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंग्लिश में वही है 15 के आसपास टॉपिक है। तो आप आराम से 20 से 22 दिन में इस सिलेबस को भी, मैं मान सकता हूँ 20 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर से आपके पास 25 दिन यहाँ पर बचे जाते हैं, जिसमें आपको रिविजन करना है और उसके एमसीक्यूज यहाँ पर लगाने होंगे। फिर से वही 30 मिनट डेली का वोकैब करना है, जिसमें आपके एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, इसके अलावा मिस स्पेल्ड आती है, और जब आप वोकैबुलरी कर रहे हैं तो मिस स्पेल्ड उसके अंदर ही कवर हो जाती है। इसके लिए डेली के वोकैब की क्लास चलिए भाई, 6 क्लासेस आ चुके हैं, नहीं देखे जाके देख लेना, डेली तीनों चीजें कराता हूँ उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी आपको वहां पर कराई जा रही है, द एग्जाम हेल्पर जीके के चैनल पर, नहीं देखा है जाके देख लेना। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, आपको 12 से 13 मार्क्स यहाँ पर उठाने हैं। ठीक है, 12 से 13 है ना यहाँ पर। अब देखिए इसमें होगा क्या भाई, ये मैंने केवल दोनों के एवरेज के हिसाब से बताया कि जो एवरेज बंदे हैं वो इतने इतने मार्क्स इनमें लाने लाना है। अब क्या होगा, कोई हिंदी मीडियम से होगा, कोई इंग्लिश से, अब हिंदी मीडियम से होगा इसकी हिंदी स्ट्रॉन्ग हुई तो वो यहाँ पर 14-15 भी लेके आ सकता है, कोई इंग्लिश से होगा तो वो भी यहाँ पर फुल में से फुल कर सकता है ना, या इसके अलावा दो कोई अगर हिंदी मीडियम से तो यहाँ पर 2 कम कर देगा, 10 ले आएगा है ना, इंग्लिश से तो वो यहाँ पर 2 कम कर देगा, 10 ले आएगा, बट एवरेज जो निकल गया 12 से 13 यानी कि 24 से 26, मैं मान के चलो 25 मार्क्स आपको 30 में से लेकर आएंगे, कितने 25 मार्क्स आपके ही होगा। ठीक है, कितने तरीके से, 1.5 घंटे डेली पढ़ने से 45 दिन तक, 1.5-1.5 घंटे दोनों को पढ़ने से। ठीक है, टाइम बना लेना, सुबह पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो सारा आपको डिसाइड करना है, मैंने आपको टाइम दे दिया कि इतने इतने टाइम इसको देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी इशारा लगा था, ध्यान रखना सिलेक्शन दिलाने वाले टॉपिक्स बता रहा हूँ। तीसरा आएगा कंप्यूटर, भाई छोड़ना ही नहीं है, कितने मार्क्स का दिख रहा है, 30 मार्क्स का टॉपिक है, 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स में से भाई आप इजीली बता रहा हूँ 24 से 25 मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो इजीली, अगर आप पूरे जिसके जो टॉपिक्स हैं वो ढंग से कंप्लीट कर लो। कितने टॉपिक है भाई, मात्र 20 टॉपिक। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको जब सिलेबस में बताया था तो पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सिलेबस बता रखा है लास्ट के 3 साल में किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो वो आप देख लेना। कंप्यूटर में कितना, 1 घंटा डेली देंगे, 20 चैप्टर हैं, 20 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक कोई चैप्टर क्या है थोड़े बड़े बड़े, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आप इसमें 25 दिन तक दे पाओगे। ठीक है, 25 दिन आप इसमें दे लोगे, 25 दिन दे लिया आपने, बचे 20 दिन, 20 दिन में क्या करना है, वही एमसीक्यू और प्रैक्टिस और रिवीजन वो आपको फिर से करना वहां पर। ठीक है, डेली का 1 घंटा देना 45 दिन तक, कंप्यूटर आपका निकल जाएगा इजीली 24 से 25 मार्क्स आप इसमें उठा सकते हैं, इवन फुल में से फुल, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना भाई फिक्स है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स है वहीं से क्वेश्चन उठ के आना है ना, बट होता क्या है कोई कोई क्वेश्चन को ज्यादा टफ डाल देता है तो वहां पर फंस जाएंगे, इसलिए मैंने एक एवरेज जो मार्क्स दिया कि 24 से 25, कोई भी जो एक एवरेज बच्चा है वो इसमें ला सकता है इतने मार्क्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आएगा रीजनिंग, इसमें भी स्टार लगा भाई, यानी कि सिलेक्शन दिलाने वाला टॉपिक है, ध्यान रखना 20 मार्क्स का आएगा भाई, आराम से कोई भी बंदा हो ना आराम से 18 से 19 मार्क्स लेके आ सकता है, आराम से भाई 18 से 19 लानी चाहिए, मैं कहूँगा फुल में से फुल लानी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई सा भी इंडिया में एग्जाम हो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट यही बंदा यही रहता है, और इसी के पीछे सब हाथ धोकर पढ़ते हैं,
ठीक है, तो इसको तो भाई निपटाना है, पूरे में से पूरे लाओ तो ज्यादा बेटर, बट फिर भी मैंने 2 मार्क्स यहाँ पर काट लिए, 18 से 19 आप इसमें लाने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना, 1 घंटे डेली करना है, 21 चैप्टर आपको टोटल करना है, 21 चैप्टर है टोटल, ठीक है, इसका भी सिलेबस मैंने आपको डाल रखा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 21 चैप्टर है, किस तरीके से पढ़ना इसके लिए देखिए, एक मैंने अपना बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर वाला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि बेस्ट टीचर कौन से हैं रीजनिंग के लिए, बेस्ट बुक कौन सी है रीजनिंग के लिए, वो आप देख लीजिए, टीचर से आप आपका सिलेबस पढ़िए और बुक में से आप क्या करिए प्रैक्टिस करिए, हो सकेगा तो मैं आपको ये करा दूंगा, कुछ नहीं है इसमें, है क्या भाई, 21 चैप्टर है ना, 21 चैप्टर आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कुछ नहीं, इन चैप्टरों में 10-10, 15-15 मिनट के टॉपिक होते हैं, उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, जैसे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में आपको साइन का मतलब मालूम होना चाहिए कि इस साइन का मतलब ये, इस साइन का मतलब ये, 2-4 तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन लगा लो और उसके बाद प्रैक्टिस करते जाओ, बस यही इसमें सिनेरियो रहता है, सिंपल सा भाई, छोटे छोटे चैप्टर रहते हैं, बस आपको उसका बेसिक मालूम है, बेसिक खत्म होता है 10 से 15 मिनट में, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करनी है, तो इजीली आप 21 मैं मान लो 25 दिन में आपने इसका कंप्लीट करा, 20 दिन क्या करना है वही से प्रैक्टिस, एंड आपको क्या करना है रिविजन करना उसका, फिर से वही चीज करनी है, ठीक है, इसमें तो बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर वाला वीडियो देख लेना, उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल बताए कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर क्लासेस मेरी चल रही है, ठीक है, ये तीनों क्लासेस मैं आपको लेके आने वाला हूँ, ठीक है, कौन सी वाली, ये तीनों में आप मेरी देख सकते हैं, ठीक है, मेरी क्लास, इन तीनों में आप मेरी जो क्लास है वो देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कराने की कोशिश करूँ, होता है तो, नहीं तो मैंने बताया था बेस्ट बुक वाले में से किसको फॉलो करना, मैथ्स, अब आ जाओ वही मैथ्स पे, इस पर कोई स्टार नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यह बंदे फंसते हैं भाई, है ना, भले वो टॉपर हो कोई भी हो, टॉपर की तो बात ही क्या है, मतलब जो प्रो बंदे होते हैं वो भी यहाँ पर फंस जाते हैं कि 20 में से वो कभी 14 ही कर पाते, कभी 15, क्योंकि इसमें क्या कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी वो अच्छे लेवल की दे देता है, या कुछ जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे मतलब घुमा फिरा के एक्स की वैल्यू टाइप के डाल दे क्वेश्चन, वहाँ पर बच्चा फंस जाता है, फिर भी जो मैं कहूँगा कि एक एवरेज बंदा उसको कितना स्कोर करना चाहिए भाई इसमें, तो भाई मैं तो मान सकता हूँ कि इसमें कम से कम 13 से लेकर 15 मार्क्स, 13 से 15 मार्क्स तक तो आपको स्कोर करना ही करना चाहिए इसमें, मैथ्स के मामले में 13 से 15 भाई प्रत्येक को यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको क्या करना भाई 3 घंटे डेली देना, कितना देना है 3 घंटे डेली, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में, ठीक है, मैथ्स काफ़ी बड़ा वास्ट टॉपिक है, 20 चैप्टर है, अब 20 चैप्टर 20 दिन में कंप्लीट नहीं होते, इसके एक एक चैप्टर के जो आप पढ़ेंगे ना तो एक एक चैप्टर 3-3, 4-4 दिन में कंप्लीट होता है, इसलिए क्या है आपको 3 घंटे देने देना है, अब इस 3 घंटे को किस तरीके से करना है मैं आपको 2 तरीके यहाँ पर देने वाला हूँ, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, 1 घंटा 1 चैप्टर, 1 घंटा 2 चैप्टर, 1 घंटा 3 चैप्टर, दिन के 3 घंटे पढ़ने हैं, अब ये आपको डिसाइड करना है कि एक साथ 3 घंटे पढ़ने हैं या सुबह दोपहर शाम करके 1-1 घंटे पढ़ने हैं, और उसमें कैसे पढ़ना है, सुबह आप पढ़ रहे हो तो परसेंटेज पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ा परसेंटेज, दिन में आप चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, शाम को चलेगा रेशियो पे, तो क्या हुआ एक दिन हुआ है और आपने 3 टॉपिक पढ़े, 1 दिन में 3 घंटे में 3 टॉपिक आपने पढ़े, अब क्या हुआ एक दिन में परसेंट तो कंप्लीट होगा ही, नेक्स्ट डे आप फिर परसेंट पढ़ोगे, थर्ड डे फिर परसेंट पढ़ोगे, तो 3-4 दिन में आपका क्या होगा परसेंट कंप्लीट होगा, बट साथ साथ दिन में प्रॉफिट एंड लॉस चला था, शाम को रेशियो चला था, वो भी आपका जब 3रा या 4था दिन कंप्लीट होगा तो आपके 3 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके होंगे, और वही आप अगर इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर केवल एक ही चैप्टर को आप 3 घंटे लगातार पढ़ें, जैसे परसेंट आपने स्टार्ट किया और आप सोच रहे हैं कि पहले परसेंट कंप्लीट करूँ, जब कंप्लीट हुआ उसके बाद प्रॉफिट लॉस, तो 3 घंटे आप वो पढ़ सकते हैं, बट उसमें दिक्कत क्या होती है कि 3 घंटे जब आप किसी एक चीज को पढ़ते हैं ना तो ब्रेन वहां से फिर आउट होने लगता है, समझे, ब्रेन क्या है लिमिटेड समय के लिए वर्क करता है, 1 से 1.5 घंटे उस चीज को एक्सेप्ट करता है एक तरीके की चीज को, उसके बाद वो वहां से काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप स्विच टेक्निक अपनाएंगे ना, इसको बोलते हैं स्विच टेक्निक, 1 घंटे 1 चैप्टर पढ़ा आपने, सुबह पढ़ लिया, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसे 3 घंटे लगातार आपने मैथ का फिक्स किया, 1 घंटे परसेंट पढ़ा, नेक्स्ट जैसे 1 घंटा कंप्लीट हुआ प्रॉफिट लॉस पे, वो 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो रेशियो पे, ऐसे भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम कर सकते हो, इसमें होता क्या है जब आप 1 घंटा परसेंट पढ़ रहे हो, जैसे ही 2nd चैप्टर पे आएंगे ना आप शुरू से उस चीज को कर रहे होंगे जहां पर आपका माइंड जो है वो वर्क करने लगेगा, जो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि पहले आप कुछ और चीज पढ़ रहे थे, अब आप कुछ और चीज पढ़ रहे हो, तो यहां पर वो इस तरीके से वर्क करेगा, अब आपके ऊपर डिसाइड करना है 3 घंटे एक ही टॉपिक पढ़ना है, एक ही बार में पढ़ना है, या 3 घंटे 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं और अलग अलग टाइम पे पढ़ने हैं, या एक साथ पढ़ने हैं, वो आप अपने ऊपर डिसाइड कर लिए। इसके लिए भी बेस्ट बुक बेस्ट टीचर कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको वो जो वीडियो था बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर वाला उसमें बता रखा है, ठीक है, चलिए तो मैथ्स को भाई देख लेना, 13 से 15 मार्क्स ही यहाँ पर आ पाते हैं लोगों के। अगला आता है जीके और करंट, भाई आ गया खतरनाक चीज आ गई, इसको तो भाई हाथ लगाने से लोग डरते हैं, क्योंकि ये तो महासागर है, मतलब इसका तो छोर ही नहीं कोई, करंट का है छोर। तो दोस्तों ये तो भाई अपने आप में भाई मतलब एक अलग ही ये अलग एक तरफ अलग और ये एक तरफ अलग चलता है भाई, इसका इनसे मुकाबला होता है सीधे, इनको छोड़ो ये तो कुछ नहीं है इसके सामने, ये एक अलग ही लेवल है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। तो भाई 30 मार्क्स का आने वाला है भाई, अगर आप इसमें ना 15 से 18 स्कोर कर रहे हैं ना तो आप इसमें टॉपर कहलाएंगे, समझे, क्योंकि इसमें इतने नंबर लाने अपने आप में अच्छी बात नहीं, तो बच्चों के 30 में से 5 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ऐसे आते हैं जीके में, ठीक है, तो ये 15 से 18 एवरेज मार्क्स ला सकते हो, किस तरीके से लाओगे बता देता हूँ।
डेली 4 घंटे पढ़ना, लो सबसे बड़ा आ गया, यहाँ इतने दे रहे थे भाई 4 घंटे अकेले ही ले गए। तो देख रहे हो 4 घंटे में आप क्या करोगे, 3 घंटे पढ़ोगे जीके, जीके पढ़ोगे, जीके में क्या पढ़ना बता रहा हूँ, 1 घंटे पढ़ोगे करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए स्पीड की बुक आती है वो ले लेना, या कोई भी ईयरली की जो मैगजीन आती है जैसे उत्कर्ष वगैरह की वो ले सकते हो, मंथली मैगजीन आती है वो आप ले सकते हो। आप स्पीडी की लोगे तो उसमें क्या करना, 30-30 मिनट का आपको डिवाइडेड डिवाइडेड करना है। कैसे करना है, उसमें क्या होता है स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज दे रखा होता है, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, है ना, देश या कंट्री के नाम, या इकोनॉमी से रिलेटेड, बजट बजट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, अवार्ड्स से रिलेटेड, इस तरीके से उसमें टॉपिक वाइज दिया होता है। लास्ट में क्या होता है उसमें ऑब्जेक्टिव वाइज दिया होता है। तो 30 मिनट में आपको करना है टॉपिक 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 वाइज चलना है, और 30 मिनट में आपको क्या करना है जो लास्ट पे ऑब्जेक्टिव है वो आपको डेली डेली टिक करना है, ठीक है। तो इससे होगा कि आपके दोनों होते जाएंगे, और मंथली भी उसमें दे रखा था वन लाइनर फॉर्म में भी, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो 30 मिनट वन लाइनर कर लेना या ऑब्जेक्टिव कर लेना, 30 मिनट में आपको डेली वाला तो पढ़ना ही पड़ना है। इस तरीके से करेंगे तो आप 45 डेज में आपका लास्ट 1 साल का जो पूरा करंट अफेयर है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कब तक आपको पढ़ना है, तो आपका जो सॉरी आपका जो एग्जाम होगा जैसे जून के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, जो मैंने 45 डेज लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि मिड जून 15 जून के आसपास आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है यहाँ पर, 15 जून या उसके बाद ही एग्जाम हो, उससे पहले मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपके यहाँ पर 45 डेज को लिया हुआ है, ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 45 डेज में आप 1 साल का लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। जून तक आपका पेपर हुआ तो आप कम से कम 15 मई या उसके आसपास का पढ़ के जाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केवल अप्रैल को अच्छे से कंप्लीट कर लिए, मई और जून का छोड़ देना, इतना वो लेटेस्ट नहीं पूछते हैं, ठीक है। और रिसेंटली 1-1.5 महीने का पहले का ही पूछते हैं, फिर भी अगर किसी को लगता है कि रिसेंट पूछ लेंगे तो 15 मई तक वो करके जाइएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है आपका 3 घंटे जीके, भाई 3 घंटे जीके अपने आप में महासागर है भाई, किस तरीके से पढ़ेंगे आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर डिवाइड करेंगे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमी, साइंस, कोई भी एक, कोई भी एक मेरी बेस्ट बुक की वीडियो देखना, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक या थ्योरी की बुक, आपको जिस तरीके से पढ़ना है थ्योरी में पढ़ना है थ्योरी में पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ना है ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ लीजिए, पर पढ़ना सिक्वेंस में। किस तरीके से, हिस्ट्री को डेली 30 मिनट देना है, पॉलिटी को डेली 30 मिनट देना है, ज्योग्राफी को डेली 30 मिनट देना है, इकोनॉमी को डेली 30 मिनट देना है, साइंस को डेली 30 मिनट देना है। साइंस में ऑलरेडी 3 तरीके के चैप्टर्स आए थे, साइंस सॉरी बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसमें से आप हो सकता है पहले फिजिक्स उठा लें फिर केमिस्ट्री फिर बायो, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। या फिर जो 30 मिनट है उसमें 10-10 मिनट के 3 सिलेबस बना सकते हैं। और यहाँ पर अभी मेरे केवल 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2.5 घंटे हुए 3 घंटे में से, आधा घंटा और बचेगा तो उसमें आप यहाँ पर साइंस का एक चैप्टर और बढ़ा सकते हैं, उसमें 2 15-15 मिनट के, इसको 1 घंटा देके 20-20 मिनट के 3 सेक्शन में कर सकते हैं इसको, जो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से करते, ठीक है। बाकी यहाँ पर 30-30 मिनट देना है, अगर आप थ्योरी फॉर्म में भी पढ़ेंगे तब भी आप 30-30-30 मिनट देना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे तब भी 30-30-30 मिनट देना। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ें, और उस तरीके के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ें जहां पर आपको उस पर डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिले, यानी क्वेश्चन है आंसर उसका डिस्क्रिप्शन है, जिससे क्या हुआ एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन बने होंगे। डेली के हिस्ट्री आधा घंटा पढ़ेंगे तो मैं आपको मान के चलता हूँ 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन तो लगा जाते हैं, डेली के 60 क्वेश्चन लगाओ, कितने लगाओगे भाई, डेली के 60 क्वेश्चन लगाओगे हिस्ट्री के, 45 दिन में कितने हो गए लगा लो आप हिसाब, है ना, कितने हो गए भाई 40 दिन के हिसाब से लगाओगे तो 2400 क्वेश्चन लगाओगे भाई, हिस्ट्री के 2400 क्वेश्चन लगा मारोगे आप, देख रहे हो हिस्ट्री के सोचो 2400 क्वेश्चन और सबके 2400 2400 2400, मात्र आधा घंटा डेली देके प्रत्येक सब्जेक्ट को 2400 2400 क्वेश्चन लगा रहे हो, केवल 40 दिन के बताना, 5 दिन अभी भी बाकी है उसमें, ठीक है। तो सोच लो आप कहाँ ले जाओगे अपने लेवल को। फिर जो ये स्कोर है ना ये इससे बढ़ के आएगा, फिर भी मैंने इसको इतना ही रखा है क्योंकि जीके अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। तो ये पूरी रणनीति रहेगी, ठीक है, वहां मेरी क्लास आएगी, ठीक है। मैथ्स की थोड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो नीते सर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ईएमआरएस एग्जाम 2024 की, द एग्जाम पर जीके चैनल पर, उसको फॉलो कर लेना, वहां पर मेन मेन क्वेश्चंस वहां पर कराए गए हैं जो टॉपिक से रिलेटेड और बेसिक पहले उसका बताया गया वो आप देख सकते हैं। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, रीजनिंग का मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो बेस्ट टू बेस्ट टीचर वाली वीडियो से आके आप देख लेना बुक कौन सी है, टीचर कौन सा, कहां से पढ़ना। इसके बाद जीके करंट अफेयर में कौन से टॉपिक पढ़ने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन से टॉपिक पढ़ने, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। 4 घंटे पढ़ना ये प्लस ये अगर आपको पढ़ना है, आप बोलोगे सर आप करा दो तो नीचे कमेंट करा देना सर जीके क्लास बस इतना लिखना जीके क्लास है ना। तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसी फॉर्म में लेके आऊंगा, ध्यान रखना इसी फॉर्म में लेके आऊंगा। 30 मिनट हम ये करेंगे डेली 2.5 घंटे एक ही बार में करेंगे हम उठा के 30 मिनट के सेक्शंस में, क्या करेंगे केवल इसके जो MCQs है या जो बन लाइन में फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो डेली आपको 45 डेज तक 12 घंटे में पढ़ा, 12 घंटे में से जो ये 2.5-3 घंटे का जो क्लास है वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा, अगर आप जीके यस लिख के बोल दिया तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ें करनी है। लास्ट चीज़ ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र तो बच गया भाई, ये भी देख लो ब्रह्मास्त्र क्या चीज़ है,
ठीक है। ब्रह्मास्त्र में आपको टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट देना है, एक कब देना है, हर पांचवें दिन, हर पांचवें दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। 45 दिन ना, पांचवें दिन होगा 5×9=45 और 10 मॉक टेस्ट आपको टेस्ट बुक में मिलेंगे। इसके अलावा और भी वो ऐड कर देगा बाद में, बाकी और भी चैप्टर टेस्ट वगैरह सारा कुछ उसमें, जिसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट ले लेना, उसमें जीएसए के बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 200 से भी ज्यादा, 250 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। प्लस इसमें क्या होगा, अभी इसमें मेरा कूपन कोड आप डाल देंगे ना V1NW47, तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आके ले लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है भाई, आप जो पढ़ रहे हो पांच दिन में आपने क्या पढ़ा, फिर आपने जब उसका मॉक दिया, पेपर दिया, तो आपको पता होगा ना पांच दिन में पढ़ा है, वो मेरा काम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो चीज़ आपको वहां पर देखनी होगी। तो ये सारी चीजें थी, इसके लिए भी मैं अपनी क्लास लेके आऊंगा, तो देखना ना भैया, टेस्ट जरूर परचेस कर लेना मॉक टेस्ट। बाकी द एग्जाम हेल्पर बाय टी चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसको फॉलो कर लेना, द एग्जाम हेल्पर जीके को भी फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर जीके क्लासेस चलती है, प्लस दोनों टेलीग्राम, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहती है। तो बेस्ट स्टडी टाइम टेबल 45 डेज 12 आवर डेली मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नेक्स्ट किस पोस्ट के ऊपर, एनबीएस की कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी टाइम टेबल चाहिए, नीचे कमेंट कर देना। सर एमटीएस के ऊपर ले गई, लैब अटेंडेंट के ऊपर ले गई, मैं वो वीडियो यहाँ पर लेके आ जाऊंगा आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।